तो गाइस चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। राइट, ये जो लोग नए लर्नर जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि ये हमारी एक सीरीज है टॉपर कॉपीज के थ्रू अपना रिवीजन करने की और साथ में माइंडसेट बिल्ड करने की कि हाउ डू टॉपर अप्रोच दोज क्वेश्चंस। ठीक है, दोज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन। और ये इशिता किशोर मैम की GS1 की कॉपी है, 2022 की कॉपी है, तो रिसेंट ही हम इसे मानेंगे। तो इसमें साथ में आपके जो करंट चीजें हैं वो भी कवर होती जाती है। राइट, यहाँ पे हमने ये छोड़ा था और अभी मैंने सोचा है कि दूसरी वीडियो भी, अभी वीडियो क्या मतलब एनालिसिस को जारी रखते हैं। 15-17 मिनट की पिछली वीडियो भी आई हुई है, बीच में मुझे कॉल आ गई थी, तो शुरू करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और इशिता किशोर मैम के, ठीक है, कंटेंट बिल्कुल वैसा है जैसा हम डिस्कस करते हैं, पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, लेकिन उनके प्रेजेंट करने का तरीका यूनिक है। ये आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। राइट, तो इट इज वेरी गुड तरीका। और इनके इसी वजह से, क्योंकि ये देखो ना, सिंपल, देखो कितना सिंपल सा ये आंसर लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा आंसर लिख रहे हैं। कुछ कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं कर रही है, कोई ज्यादा बकवास इसमें लग नहीं रही है, सीधा सा आंसर लग रहा है भाई। आराम से आदमी पढ़ सकता है, नजरें भी मार सकता है। राइट, एक बार अगर किसी को क्वेश्चन पता हो, नजरें मार मार के वो देख सकता है कि आंसर लिखा क्या है, बस 1 मिनट में पूरा आंसर पढ़ा जा सकता है। दिस इज टॉपर्स टेक्निक जो हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि कोलैप्स ऑफ USSR वाज मच ऑफ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल अनरेस्ट एज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, एनालाइज दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉल ऑफ USSR। राइट, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि USSR जो है ये इंटरनल अनरेस्ट की वजह से भी उतना ही है ना, मतलब फॉल ऑफ USSR की वजह इंटरनल भी उतनी ही थी जितनी एक्सटर्नल। सिंपल बात। राइट, तो सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि अब देखो इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि द फॉल ऑफ USSR हैज बीन टाउटेड एज द एंड ऑफ हिस्ट्री बाय द पीपल लाइक, ठीक है, योर फ्रांसिस फुकुयामा एटसेट्रा। हालांकि ये फिर ज्यादा ऑप्शनल टाइप का ये आंसर हो गया, लेकिन ऐसी चीजें मैंने देखे हैं कि जो टॉपर्स है अब वो ऑप्शनल टाइप का कंटेंट इंट्रो और कंक्लूजन में लिखे जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जिसे मालूम है एंड ऑफ हिस्ट्री वगैरह की थीसिस, वो उसे ये चीजें मालूम है। राइट, तो फॉल ऑफ USSR वॉज ए लैंडमार्क इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री दैट एंडेड द बायपोलैरिटी। इस तरीके से भी इसे स्टार्ट किया जा सकता है। राइट, देन कि भैया इंटरनल है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल अनरेस्ट। सीधा यहां से हमने हेडिंग को यहां से चिपका करके नीचे डाल देना है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल अनरेस्ट। क्या क्या इसमें बताया जा सकता है भैया? इट बिगेन एज अर्ली एज 1958, जब आपके जो एस्टोनिया लातिया लिथुआनिया थे, इन स्टेट्स में जब लिबरेशन का मूवमेंट वहां पे चला, तो तब से लेके फॉल ऑफ USSR धीमे धीमे करके शुरू हो रहा था। नंबर वन तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, द पॉलिसीज ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका जो 1985 के आसपास लाई गई USSR में, इन दो लिबर है ना, ये जो LPG रिफॉर्म एक तरीके के विद इन USSR लाए गए, इट मार्क्ड आइडियोलॉजिकल डिफीट ऑफ USSR। सीधी बात। देन तीसरी बात भैया, फॉल ऑफ वॉल ऑफ जर्मनी। जर्मनी की जो वॉल थी, ठीक है, ये 1989 में, ठीक है, 1989 में ये इसका फॉल हो गया था। सो विद द फॉल ऑफ द वॉल ऑफ जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट का जो डिवाइड था विद इन विद इन USSR, वो जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था कुछ एक जगह पे, वो भी एकदम से फॉल हो गया। देन देर वॉज है ना, देर वॉज दिस इंटरनल डिजायर अमंग द नॉन रशियन स्टेट्स। नॉन रशियन स्टेट्स जैसे आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए, स्पेशली आपके जो जो ये जॉर्जिया वगैरह हैं। राइट, जैसे जॉर्जिया हो गया, बेलारूस हो गया, इस है ना, यूक्रेन हो गया, इनमें देर वॉज ए डिजायर टू है ना टू 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 गेट लिबरेटेड और टू गेट मोर ऑटोनॉमी फ्रॉम दोज रशियन एरिस्टोक्रेट्स, और मतलब जो वहां पे रशियन पावरफुल लीडर्स थे वही सब चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। तो जो लोकल लीडरशिप थी उसमें भी एक तरीके का वो डिजायर था टू गेट लिबरेटेड। इस तरीके के 3-4 पॉइंट इसमें अच्छे लिखे जा सकते। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके क्या थे, वो तो बड़े भारी है कि भैया वेस्ट की जो आपकी जो लश एकदम लाइफ लाइफ स्टाइल है, उससे धीमे धीमे करके जो USSR के लोग हैं वो उससे, राइट, दे वर फीलिंग लाइक दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एंजॉय द सिमिलर लेवल ऑफ लिबर्टी एंड ग्रोथ एटसेट्रा। वेस्ट की जो इतनी फिनोमिनल ग्रोथ हुई है उसकी वजह से,
ग्लोबलाइजेशन जो धीमे धीमे करके बढ़ रहा था उसकी वजह से, देन एक्सटर्नल फैक्टर वॉज कि यूएसए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, कि नेटो का जो इतना रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था नेटो का, उसको वॉर्सो पैक्ट वो उतना चैलेंज नहीं कर पा रहा था। नेटो का भैया इतना एक्सपेंशन की है ना, 31 आजकल कितनी कंट्रीज है, अराउंड 31 के आसपास, इतनी ज्यादा कंट्रीज नेटो के पास, और वो भी एकदम हाईली पावरफुल कंट्रीज, जिसमें कि ठीक है चार आपकी न्यूक्लियर पावर्स हैं, चार आपकी न्यूक्लियर पावर्स हैं, राइट। तो नेटो का इतना एक्सपेंशन हो रहा था, तो वॉर्सो पैक्ट इसके इसके इसकी जो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है उसको काउंटर नहीं कर पाया। तो एक तरीके से ये भी उसके फॉरेन पॉलिसी जो जो डोमिनेट करता था उसकी वजह से जो है राइट, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे वो यूएसएसआर का फॉल धीमे धीमे होना शुरू हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन कुछ और चीजें, फॉर एग्जांपल जो यूएसएसआर के एलाइज थे जैसे इंडिया जैसे एलाइज हो गए, वो धीमे धीमे प्रो वेस्ट होना शुरू हो गए थे। राजीव गांधी के टाइम से ही इंडिया प्रो वेस्ट होना शुरू हो गया था। यू रिमेम्बर दैट कंप्यूटर रेवोल्यूशन, राजीव गांधी विजिटेड यूएसए एंड देन ही सेड कि भैया ये जो बवाल चीज तुम बनाए हो ये इंडिया में भी आनी चाहिए, है ना। तो उसकी वजह से धीमे धीमे जैसे इंडिया जैसे फ्रेंड्स हैं वो भी अब प्रो वेस्ट धीरे धीरे इकोनॉमिक नीड्स की वजह से होना शुरू हो गए थे, ऑल दीज कॉल में, है ना। बाकी फिर आप इसमें और चीजें लिख सकते हैं कि रोल ऑफ IMF, WTO, है ना, WTO तो खैर ये बाद में आया, गेट, IMF एटसेट्रा, इनका बड़ा रोल, जुगाड़ करके ये क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते थे। हमने ज्यादा डिस्कस कर लिया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ बायपोलर वर्ल्ड 1991। देखो वही चीजें, बायपोलर वर्ल्ड, ईस्टर्न ब्लॉक, 1991, वो कीवर्ड इसमें डाले हुए हैं ना, हैड अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन ग्लोबल पावर इक्वेशन। फैक्टर क्या थे? इंटरनल, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही, हालांकि इसे सीधा यहां से कॉपी किया जा सकता था कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल अनरेस्ट क्या थे, कि इकोनॉमिक क्राइसिस, वही इसमें आप है ना वो लिखना चाहिए था इन्हें, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इस तरीके की पॉलिसीज, ये कीवर्ड डालने होते हैं, कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑन न्यूक्लियर आर्म्स रेस, है ना, देन कंट्राडिक्शन विद द पॉलिटिकल कंट्रोल विद इकोनॉमिक ओपननेस, प्रोटेस्ट इन, आई थिंक हमारे पॉइंट ज्यादा स्पेसिफिक थे, है ना, बाल्टिक कंट्रीज एटसेट्रा, इनका इनका रेफरेंस देना, आई थिंक है ना, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, जो हमने ऊपर देखे, आई थिंक दोज पॉइंट्स वर मोर स्पेसिफिक इन नेचर, राइट। तो देन आगे आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, अफगानिस्तान वॉर, वाह ये हम कैसे भूल गए, अफगानिस्तान वॉर वाज अ मेजर स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ यूएसएसआर। यहाँ से मानते हैं ना कि अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट पावर्स, यूएसएसआर का फॉल भी माना जाता है यहीं से हुआ भाई। वहां यूएसएसआर की आर्मी को खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, समझ रहे हो बात को, गोलियां बेच करके उन्होंने अफगान, देखो यूएसएसआर के बारे में ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि यूएसएसआर की जो फौज थी उन्होंने उन्होंने गोलियां, ठीक है, उन्होंने वहां के जो 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 यूएसएसए ने वहां पे अपना जो तालिबान का नेटवर्क धीमे धीमे करके मुजाहिदीन का नेटवर्क वहां पे खड़ा करना शुरू किया था, इनको वहां पे सस्ती गोलियां बेच करके वो खाना खाते थे वहां। और ये भी इनका है ना, हालांकि इसमें भी एक डिप्लोमेसी थी, ये कहानी है कि ये है ना वो इन गोलियों को डिसफंक्शनल करके, उसके अंदर जो भी डलता होगा आपका, ठीक है, गन पाउडर एटसेट्रा, उन गोलियों को डिसफंक्शनल करके उन्होंने लंबे टाइम तक बेचा मुजाहिदीनों को, फिर उन्होंने अपना खानों का जुगाड़ किया। फिर जब मुजाहिदीन उन्हीं गोलियों को चलाने लगे तो वो वहां पे, ठीक है, फॉल्टी पाई गई, और फिर वो राइट। तो ऐसी ऐसी चीजें भी उन्होंने की हुई है, यूएसएसआर इतने क्राइसिस में था, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, सेंट्रल एशिया विल टू सेपरेट, वही चीजें, ठीक है, हालांकि ये इंटरनल फैक्टर में आएगा क्योंकि उस टाइम सेंट्रल एशिया जो है वो इंटरनल हिस्सा था। दस यूएसएसआर कोलैप्स लेड टू लॉस ऑफ अम्ब्रेला ऑफ थर्ड वर्ल्ड फॉर थर्ड वर्ल्ड, ओके, सिक्योरिटी अम्ब्रेला आप लिख सकते हैं, लॉस ऑफ सिक्योरिटी अम्ब्रेला फॉर थर्ड वर्ल्ड सोशलिस्ट वर्ल्ड, आइडियोलॉजिकल डिबेट बिटवीन द सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंडेड, इसी को कहा है फ्रांसिस फुकुया मैंने एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एवरी वन, ये क्या है, एमरजेंस ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमी LPG पॉलिसी, ठीक है, वीकनिंग ऑफ रशिया एज ए बैलेंसर टू USA, राइज ऑफ न्यू काइंड ऑफ, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं ग्लोबल मोनोपोली ऑफ USA, मोनोपोली या फिर USA's राइज एज एन इंस्पेक्टर स्टेट, ऐसे करके कुछ, राइट, है ना, देन USA लेफ्ट एज ए सिंगल पावर, देन है ना यूनिपोलर वर्ल्ड, राइज ऑफ चाइना एज ए लीडर ऑफ नॉन कैपिटलिस्ट ब्लॉक, बिल्कुल
तो ये इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख दिया इसमें, पूछा था क्या कॉन्सिक्वेंस, या मैंने मिस ही कर, ओ यस इम्पैक्ट हमने, ओ ये मिस ही कर दिया पहले, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, राइट। तो इम्पैक्ट भी इन्होंने लिखे अच्छे। देखो टॉपर की एक बात ये भी है कि ये भर भर के पॉइंट लिख रहे हैं, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 4 9 3 12, 12 पॉइंट्स इसमें लिख रहे हैं। 10 डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैज बीन अ वाटरशेड मूवमेंट इन हिस्ट्री। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन दैट मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड लीड टू सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, वही जो पिछली वीडियो में हमने देखा था ना, मॉडर्नाइजेशन थीसिस। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या कहता है कि एफ्लुएंस ब्रिंग्स डेमोक्रेसी, वो यहाँ पे लाई गई है, वही इन्होंने यहाँ लिंक किया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सोसाइटी में सेकुलराइजेशन आएगा, हैज बीन बिलाइड इन द कंट्री, राइट, कि भारत में इसको झुठलाया गया है आप, हाँ, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 1990s के रिफॉर्म के बाद से इंडिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई है, कम्युनलिज्म प्रोपोर्शनेटली बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो, उतना ही बढ़ा हुआ है जितना एफ्लुएंस आ रही है, उस जितनी अमीरी आ रही है उतना कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रही है, 2002 के गुजरात के दंगे एटसेट्रा। तो ये आपने है ना इन सब चीजों पे बताना है कि इसके रीजन क्या है, राइट। तो आप सीधे इसमें लिख सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थीसिस बिलीव दैट विद द एनहांस्ड एफ्लुएंस पीपल्स फोकस ऑन द सोशल क्लीवेजेस, है ना, इट विटनेसेस अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से इसे स्टार्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी आती है, इस तरीके से इसे स्टार्ट किया जा सकता है। हाउएवर पोस्ट 1990 रिफॉर्म्स विद द इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया हैज सीन मोर कम्युनल, है ना, मोर मोर इंपैक्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। पहले ये प्रूव करनी है अपनी बात, वो कैसे भैया, जो मंदिर मस्जिद की, ठीक है, या फिर मंदिर या फिर मंडल कमंडल की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया में बढ़ी हुई है, 2002 के गुजरात दंगे, मुंबई दंगे, मुजफ्फरपुर वायलेंस, ये सब चीजों के इसमें एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। देन CAA NRC के जो रिसेंट ये वायलेंस है हुई है, राइट, ये भी एक तरीके से रिलीजियस वायलेंस के उसमें टोन में आपके आता है, राइट। राइज ऑफ अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा हिंदू नेशनलिज्म, इन सब चीजों की यहाँ पे बात की जा सकती है। देन कारण बताने हैं कि इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है भैया, समझ रहे हो, लैक ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इन द कंट्री, या फिर लैक ऑफ सॉलिडेरिटी इन द कंट्री, ह्यूज सोशल क्लीवेजेस दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री, है ना, देर आर सो मेनी फैक्शंस रिलीजियस, फिर आप लिख सकते हैं रिलीजियस, कास्ट, क्लास, फैक्शंस, इनकी वजह से जो है देश में जो सोसाइटी है वो एक तरीके से डिवाइडेड सोसाइटी, वो जो डिविजन है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। देन आपके पॉलिटिकल, ठीक है, रोल ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, स्पेशली जैसे वोरा कमेटी हो गई, हालांकि वो करप्शन पे थी, उन्होंने ये भी बताया कि भैया एक्चुअल में जो इस तरीके की पॉलिटिक्स है, जो करप्ट लीडर्स की पॉलिटिक्स है, इट लीड्स टू कॉम्युनलाइजेशन एज वेल, है ना, कॉम्युनलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ एक उनकी राइट, एक एक तरीके से ये वो कहते हैं ना कि गाढ़े की रोटी, वो कुछ ऐसे ऐसे करके, है ना, तो ये उस टाइप की उनकी एक इमरजेंसी वाली रोटी होती है कि कुछ ना बचे तो कॉम्युनलिज्म, तो दीज आर द थिंग्स जो कि इसमें लिखे जा सकते हैं। सेकुलराइजेशन इज अ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द कॉम्युनल आइडेंटिटीज एज ए न्यू कॉस्मोपोलिटन कल्चर एमर्जेस, बिल्कुल ठीक है, उसी टाइप का इन्होंने भी यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है लगभग, कि इट इज अफेक्टेड बाय मॉडर्नाइज, वाह ये इसमें इन्होंने एक ये बहुत अच्छी बात इसमें लिखी कि मॉडर्नाइजेशन से सेकुलराइजेशन कैसे आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सेकुलरिज्म कैसे आता है, कि लिबरल वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, है ना, ये प्लूरलिज्म एटसेट्रा, ये सब चीजें इंडिया में, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन से बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन स्कूल, मदरसाज एटसेट्रा, थ्राइविंग ऑफ LGBTQ मूवमेंट, ये मॉडर्नाइजेशन से आई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे, अर्बन एरियाज, 30% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया में अर्बन एरिया में है ना, अच्छा हाँ, GDP 70% आती है 30% ऑफ अर्बन एरिया से। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस, गिव लेस इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस मैटर्स, ओके, एंड ये क्या है, कमलिंग ऑफ रिलीजन, ओके, एंड इन रिजेक्शन फ्रॉम द रिलीजियस लाइक इस्लाम, एंड वुमेन, ये क्या है, वुमेन ओवरकम पर्दा एंड हिजाब। हाँ, इसमें और भी चीजें आप लिख सकते हैं कि भैया रिसेंट जो आप इसमें है ना शायरा बानो केस है, ये सब चीजें मॉडर्नाइजेशन से आई है ना, फेमिनिस्ट एंगल एटसेट्रा, तो
ना, कास्ट का इन्फ्लुएंस ये धीमे धीमे कम हुआ है, अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है और ये लगभग बैंड है, आर्टिकल 17, ऐसे ऐसे करके जुगाड़ इसमें लिखा जा सकते हैं। देन गवर्नमेंट सपोर्ट इंश्योर इंक्लूसिविटी, ये क्या है, हुनर हाट बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ओके वेरी गुड। तो इससे क्या होता है, जियो प्रहरी, हुनर हाट एटसेट्रा, ये सब चीजें हम ठीक है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मेंस के लिए। तो इससे भी क्या होता है, इससे वो कल्चरल कनेक्ट बढ़ता है और इसमें इनिशिएटिव लिखे जा सकते हैं, बेटर इनिशिएटिव इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हुआ, क्योंकि क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को ये प्रमोट करता है। हाउएवर शो इवेंट्स दिस सेकुलराइजेशन इज बिलाइड, है ना, ओके, कि इंडिया में जो है ये सेकुलराइजेशन बिलाइड हुआ है, वो कैसे, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। क्लैश ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज इज कॉमन, देखो ये वही चीज है, ये देखो ऑप्शनल वाला कंटेंट है, पीएसआईआर ऑप्शनल टाइप का या सोशियोलॉजी ऑप्शनल टाइप का, कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हो रही है, रिसेंट हिजाब कंट्रोवर्सी, एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन, एग्जाम्पल क्या है ये, इशू ऑफ सबरीमाला केस, एंड लो लिटरेसी रेट ऑफ रिलीजन लाइक मुस्लिम्स लीडिंग टू रिप्रेजेंटेशन इन द वो, ठीक है ठीक है। तो इन्होंने इस टाइप से यहाँ पे बताया, लेकिन ठीक है ये आई आई बिलीव कि ये जो यहाँ पे इन्होंने स्पेस इसमें उतना लगाया, तो ये छोटा किया जा सकता था लगभग इतना कर, ताकि नीचे ये वाला स्पेस बच सके जिसमें आप तीन वर्ड्स के वे फॉरवर्ड लिख सकते थे, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ अ राइट, क्रिएशन ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर क्या कहते हैं उसे यार, वो सॉलिडेरिटी कमीशन नहीं, एंड देयर वाज दिस, हाँ कम्युनल हार्मनी, नेशनल कमीशन फॉर कम्युनल हार्मनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन देयर वाज दिस दिस पर्टिकुलर कमीशन, मैं उनका नाम भूल गया यार, एकदम से हर बार ही उसका नाम भूल जाता हूँ आदमी का, ही वाज बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किसी को याद आ रहा हो तो उन्होंने इसी पे ठीक है सॉलिडेरिटी एटसेट्रा क्रिएट करने में कम्युनलिज्म को कैसे काउंटर किया जाए, इस पे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। आर से कुछ ऐसा इनका नाम है, ठीक है किसी को याद आता है तो नीचे बताना प्लीज, राइट। तो इस तरीके के कमीशन वगैरह को यहाँ पे कोट किया जा सकता है कि ये सारी टेक्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम जो है इंडिया में सेकुलराइजेशन को और बेटर कर सकते हैं। फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है ना, इट कैन बी अ गुड इंस्पिरेशन फॉर इंडिया एज वेल, हालांकि नहीं ये ओवर हो जाएगा, फ्रेंच मॉडल मत लिखना, एक्चुअल में ये बहुत ही रिग्रेसिव मॉडल है फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, बट ये जरूर है यार, मैं उस कमेटी का नाम भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, कुछ रंगाराजन जैसा नाम था, आई नो रंगाराजन इज डिफरेंट पर्सन, बट कुछ इसी टाइप का, हाँ रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा पैनल, रंगनाथ मिश्रा पैनल, हाँ इसकी रिकमेंडेशन क्या थी लिखने की जरूरत नहीं है, पैनल लिखना है बस, कि द रिकमेंडेशन ऑफ रंगनाथ मिश्रा कमेटी इन दिस रिगार्ड कैन बी अ गुड वे फॉरवर्ड, तो दिस कैन बी अ गुड वे फॉरवर्ड। हमने अच्छे यहाँ पे अच्छे खासे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एनालाइज किए, आई होप ये आपको हेल्प कर पा रहे होंगे अपने रिवीजन में या एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में, राइट। तो ये मैं तो अपने लिए करता ही हूँ, ठीक है मेन मेरा भी है, तो अगर आपका भी है तो हो सकता है ये थोड़ा हेल्पफुल हो, साथ में कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहें, और आपका जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है या कभी कमेंट में भी मिल जाता है कमेंट सेक्शन में, तो एक बार देखते रहें अपने हिसाब से। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।